एवरीवन, दिस इज शिल्पी और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको, आप सबके साथ मेरे घर का जो एंट्रेंस है उसको मैंने किस तरह से ग्रीन प्लांट से सजाया है वही मैं आज आपको शेयर करूंगी। हम सभी आजकल अपार्टमेंट में रहते हैं तो हमारे पास स्पेस की बहुत कमी होती है, बट हम सभी अपने घर में ढेरों प्लांट्स लगाना चाहते हैं, घर में एक छोटा सा गार्डन हो, ये सपना हम सभी के मन में होता है। बट कभी ना कभी हम कहीं ना कहीं स्पेस की कमी की वजह से हम वो जो हमारा सपना है उसे हम पूरा नहीं कर सकते। तो मैं आज आपको वही दिखाऊंगी कि आप छोटे से स्पेस में भी किस तरह से अपने उस ग्रीन गार्डन के सपने को पूरा कर सकते हैं और अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये मेरा कॉरिडोर का स्पेस है जो बहुत नैरो है, तो मैंने वहाँ क्या किया ना, पहले एक नीचे वाले लेयर में प्लांट्स को रखा, देन जो ग्रिल का बेस है उसको मैंने यूज़ किया और साथ ही साथ मैंने प्लांटर्स, हैंगिंग प्लांटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है अपने प्लांट्स को हैंग करने। ये देखिए, इस तरह के हैंगिंग प्लांटर्स आपको ऑनलाइन बहुत ही किफ़ायती रेट में मिल जाते हैं, उनको आप अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं और अपने ग्रिल्स वगैरह में इस तरह से आप इन्हें हैंग कर सकते हैं। ये देखिए, तो फिर आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और आप ढेर सारे प्लांट लगा सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा, जो मेरा ग्रिल का जो ऊपर वाला पोर्शन है उस वॉल पे भी मैंने कुछ ड्रिल करके हुक्स लगाए हैं और उन पर भी मैंने कुछ हैंगिंग प्लांटर्स लगाए हैं। तो इस तरह से मैंने कम स्पेस में ही 3 times प्लांट्स को लगाया है, एक नीचे वाला लेयर, फिर मैंने ग्रिल्स का यूज़ किया और ये ऊपर वाले पोर्शन पर। और ये मेरे जस्ट घर में घुसने के पहले का जो वॉल है वो है, उस पर भी आप देखिए मैंने ये वर्टिकल गार्डन बनाया है। तो मैंने जो स्पेस है उसमें मैंने ये हैंगिंग प्लांटर्स लगाए हैं और उनमें मैंने छोटे छोटे बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स लगाए। तो मैंने इतने छोटे से स्पेस पे ही 10 से 12 प्लांटर लगाया है और ये काफ़ी सुंदर दिख रहा है, कम स्पेस में ज़्यादा प्लांट्स लगे हैं। तो देखा आपने, हमने कितने आसानी से, कितने छोटे से जस्ट कॉरिडोर के स्पेस को ही यूज़ करके हमने 3 times प्लांट्स को प्लेस किया है। तो हम अगर वर्टिकल स्पेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो हमें अपने प्लांट्स को रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिलेगा और हमारा जो ग्रीन गार्डन का सपना है वो भी हम छोटे से स्पेस में ही पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।